जी हाँ बहनों और भाइयों, खान पेंटर के और आपके अपने इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि गाड़ी में गुड्स कैरियर कहाँ लिखा जाता है, ओनर बोर्ड कहाँ लिखा जाता है और इसमें क्या क्या लिखा जाता है, गाड़ियों में नंबर प्लेटें कहाँ कहाँ और कितनी कितनी होनी चाहिए, नंबर प्लेटों की साइज़ क्या होनी चाहिए और रेटिंग की साइज़ कितनी होनी चाहिए, हॉर्न नोट ओके प्लीज कहाँ लिखा जाता है और कितना बड़ा होता है, आरटीओ नियम में मेरा भारत महान या ग्रेट इंडिया कहाँ लिखा जाता है, स्पीड 40 km यूज डीपर एट नाइट, वेट फोर साइड, ग्रेट इंडिया मेरा भारत महान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, झाड़े लावा झाड़े जगवा, कीप डिस्टेंस। हाँ तो दोस्तों, आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, आप आरटीओ नियम वगैरह सब आसानी से समझ जाओगे। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि रेडियम कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों आपने मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखा तो शायद आपको आरटीओ नियम के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको आरटीओ नियम के लिए और कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ जानकारी आपको मेरी इस वीडियोज़ में फ्री मिलेंगी। तो दोस्तों, सभी जानकारी को फ्री में जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक लगे रहिए। वीडियोस को फ्री में देखने के लिए भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है, इतनी सारी जानकारी लेने के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, और कम से कम एक दोस्त में मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि भाइयों आप तो जानते ही हो कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और हाँ दोस्तों, आपका एक लाइक एक कमेंट्स एक शेयर हमारे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती रखता है। अब इधर उधर की डिस्क्रिप्शन को साइड में रखते हुए वीडियोस को ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ तो दोस्तों, आज के इस दौर में मोबाइल में नेट और जेब में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी के आधी जंग तो हम इन दोनों के बलबूते पर ही जीत लेते हैं, इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है, सारी के सारी दुनिया मेरी जेब में। दोस्तों, मेरी इस वीडियोस से आपको